इस वीडियो में हम बात करेंगे 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में, जहां पे 3.92% की गिरावट में क्लोजिंग दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में। 788 के लेवल पे शेयर ट्रेड कर रहा है अभी टाइम में। फिलहाल अगर हम बात करेंगे यहां पे, देखेंगे पिछले 6 महीने में 129% का रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला है, और केवल 2024 की अगर हम बात करेंगे तो 21% से भी ऊपर के रिटर्न हमें देखने को मिला है, और पिछले 6 महीने का काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है अगर देखा जाए तो यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि कोई भी स्टॉक में एकदम से ये नहीं हो सकता है कि लगातार आपको 400-500% 1000% तक रिटर्न एकदम से मतलब ऐसे देखने को मिल जाए, लगातार ऐसा नहीं। बीच में करेक्शन यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि इतना ज़बरदस्त तेज़ी के बाद यहाँ पे अभी कह सकते हो कि एकदम से टॉप लगातार बनाते जा रहा है। अब देखते हैं कि इस बार क्या ये 800 के ऊपर जो गया हुआ था, 850 के आसपास कह सकते हो लगभग, तो क्या इसके बाद ये जो करेक्शन निकल के आते हुए दिख रहा है अभी आपको, यहाँ तक करेक्शन यहाँ पे निकल के आते हुए दिखता है और क्या हमें गिरावट आने वाले टाइम में दिखता है फिलहाल? बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता है कि लगातार आपको सालों साल तक रिटर्न मिलता ही रह जाए, लगातार तेजी में ही रह जाए, मतलब यहाँ पे 15%, 10%, 20% का करेक्शन निकल के ना, ऐसा नहीं हो सकता है। करेक्शन यहाँ पे होता है, काफ़ी बार आपने देखा होगा HAL जैसे कंपनीज में, फाइनेंशियली कितना अच्छा कंपनी है, फंडामेंटली है, और जो भी देखा जाता है यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर भी निकल के आते हुए दिखते रहते हैं, बट फिर भी कह सकते हो अभी टाइम में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है बिकॉज काफ़ी चल चुका है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। तो फिलहाल अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में फिलहाल क्या देखने को मिलता है इसी 197 कम्युनिकेशन का। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट क्या है और यहाँ पे इसी को लेकर क्या ओपिनियन, क्या न्यूज़ यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है उसके ऊपर। तो देखेंगे यहाँ पे निफ्टी 50 में आज के दिन गिरावट रहा है 1% से ऊपर, सेंसेक्स में 1% से ऊपर, बैंक निफ्टी में 1% से ऊपर 1.39%, निफ्टी IT में 0.045% का तेजी रहा, S&P भी ऐसे स्मॉल कैप में अगर देखा जाता है यहाँ पे 1.26% की गिरावट में क्लोजिंग दिया। बात करें पेटीएम के बारे में यानी 197 कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे क्या कुछ न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है उसके ऊपर। तो देखेंगे रिसेंट न्यूज़ ऑफ पेटीएम भी आप देख सकते हैं, Q2 का अनाउंस किया ऑन 5 नवंबर को, पेटीएम रिपोर्टेड इस क्वार्टरली रिजल्ट Q2, और जो भी आप कह सकते हो इंक्रीज़ क्या, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिला उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बाकी अगर हम बात करें प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हो, और इंडिया होल्ड रिकमेंडेशन ऑन पेटीएम से बाई और से जो भी क्या है। तो कंसिडरिंग द करेंट मार्केट कंडीशन एंड फाइनेंशियल आउटलुक फॉर पेटीएम, वी रिकमेंड ए केजन अप्रोच विथ ए होल्ड स्ट्रेटेजी फॉर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स वाइल सजेस्टिंग ए पोटेंशियल बायर कंसिडर एंटरिंग, देखेंगे एट लोअर लेवल अराउंड 800 फॉर बेटर वैल्यू एक्विजिशन। अदर रिकमेंडेशन क्या है बाई सेल और होल्ड जो भी अगर हम बात करें यहाँ पे, ICICI डायरेक्ट का क्या रिकमेंडेशन है, दे मेंटेन ए बाई रेटिंग विथ ए टारगेट प्राइस ऑफ 1200 का टारगेट प्राइस दिया इन्होंने। HDFC सिक्योरिटी की तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे होल्ड रेटिंग, यहाँ पे भी होल्ड रिकमेंडेशन निकल के आते हुए दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1050 का टारगेट प्राइस सेट किया गया। तब इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है आज का ये कुछ निकल के आते हुए दिख रहा है। देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम ए फंडामेंटल एनालिसिस परस्पेक्टिव द कंपनीज ROE देखेंगे 10% से ऊपर है, और जो भी आप देखेंगे यहाँ पे द मीडियम 1 ईयर फोरकास्ट का अपसाइड का टारगेट क्या है, 17.44% टारगेट प्राइस 652 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे देखेंगे, तो MF होल्डिंग जो है इंक्रीज हुआ है 0.04% से 0.08% इन सितंबर क्वार्टर में, और FIs होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज हुआ है 20.48% से 18.02% इन द सितंबर क्वार्टर। बाकी ये कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल। अब रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, देखिए 3.92% के गिरावट में क्लोजिंग दिया, और अभी आप देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज क्या है डिलीवरी परसेंटेज, तो जहाँ आप देखेंगे क्वांटिटी जितना ट्रेड हुआ उसमें से 25.88% क्वांटिटी यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी हमें देखने को मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में। बाकी देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ यहाँ पे कि कोई भी कंपनी हो, जब ये लॉस में लगातार चल रहा था तो उस टाइम पे कितना ज़बरदस्त गिरावट हो रहा था आपको खुद पता होगा। अभी जब प्रॉफिट में कंपनी कंपनी खुद अगर प्रॉफिट करेगा तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होगा, जब कंपनी खुद लॉस में रहेगा तो इन्वेस्टर्स को क्या प्रॉफिट होगा, ये चीज़ आप सोच के चलिए और देख के चलिए। तो वही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल गया कि जब यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिटेबल में आया तो फिर देख सकते हो कैसे तेज़ी लगातार देखने को मिल रहा है। आप देखते हैं कि तेज़ी यहाँ पर करेक्शन कितना आता है और क्या हमें देखने को मिलता है फिलहाल। और ओवरऑल मैं आपको लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी में एकदम टॉप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए अगर पिछले लगातार 6 महीने में, 5 महीने में, या फिर लगातार 1 साल में अपने मतलब मान लीजिए ये 6 महीने के हाई पे ट्रेड कर रहा है, 6 महीने का हाई के आसपास मान लीजिए 52 वीक हाई पे कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा हो, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना एक थोड़ा सा रिस्की वाला जोन निकल के आता है बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर दे चुका है।
तो फिलहाल देखिए अब आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस।